साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप साबूदाना लिया है मैंने, जिसे मैंने रात को अच्छे से वॉश करके भिगो के 8-10 घंटे भिगो के लिया है। ये अच्छे से भीग चुका है अभी। ये 2 आलू है जिसे मैंने बॉईल करके लिया है। ये हरी मिर्च और ज़ीरा मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है। यह हरा धनिया पत्ती है और 1/2 कटोरी मूंगफली का पाउडर है। स्वादानुसार नमक है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैं बॉइल्ड आलू ले रही हूँ, उसे मुझे फोर्सली मैश करके लेना है। दो आलू लिए हमने। हरी मिर्च और जीरा, ये मूंगफली का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब हमको ये सब अच्छे से मिक्स करना है और उसका एक डोर जैसे बनाना है। मैं अब इसे हाथ से इस तरह से सब चीजें मिक्स करके हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, जिसके हम अभी छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा पानी चाहिए जो मैं आग पे लगाऊंगी और डोटे बनाऊंगी। थोड़े थोड़े से बीच में प्रेस करने और अच्छी तरह से शेप देंगे। मीडियम साइज के गोटे मैंने बनाए, आपको जैसे चाहिए उस साइज के आप बना सकते हैं, छोटे बड़े। मिक्सचर के गोले अभी तैयार हो गए हैं, इसे हमें फ्राई करना है। उसके लिए हमने ऑयल पहले ही गर्म करने को रखा है। इसमें मैं ये थोड़ा सा छोटा वाला पीस डाल के टेस्ट कर लेती हूँ कि ऑयल गर्म हो गया है क्या। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें ये वड़े डाल फ्राई करना। गैस का फ्लेम मैंने बढ़ा दिया है। चार चार वड़े में तेल में डालू। गोल्डन हो चुके हैं, अपने से निकाल दो। इस तरह से हमारे सभी वड़े अभी तैयार हो गए हैं, जिसे मैं अभी सर्विंग डिश में निकाल के हमारे साबूदाना वड़े बहुत अच्छे से बने हैं, जिसे मैंने मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप उसे दही के साथ भी खा सकते हो। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।